नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आत्मा जो है इस शरीर के अंदर प्रवेश कैसे करती है, जन्म का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, किस तरीके से आत्मा इस शरीर को डिसाइड करती है कि मुझे यहाँ जन्म लेना है, ये प्रोसेस कैसे होता है। इसके लिए अगर आपने हमारे पहले बाकी वीडियोस देखे हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की अवस्था कैसी होती है, कैसे उसका रिव्यू प्रोसेस होता है, कैसे उसके अगले जन्म का एजेंडा फिक्स होता है, ये बातें आप जरूर देखिए, क्योंकि ये सारी बातों से ही डिसाइड होता है कि आपके इस जीवन में आप अगला जन्म किस प्रकार से लेंगे। बहुत सारा प्रोसेस तो पहले ही हो चुका होता है, जिसको मैंने रिव्यू प्रोसेस कहा। रिव्यू प्रोसेस होता है उस स्पिरिचुअल डायमेंशन में जाकर, जब आपका शरीर छूट जाता है तो जिस डायमेंशन में आप जाते हैं वहां पर स्पिरिट वर्ल्ड में, वहां पर आपका रिव्यू होता है और वहां पे अगले जन्म की नींव रखी जाती है कि इस जीवन में मैंने कौन कौन से टास्क ठीक परफॉर्म किए जो मेरी सोल का एजेंडा था, जिसको मैं सोल कॉन्ट्रैक्ट बोलता हूं। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कौन कौन से टास्क मैंने कंप्लीट किए, कौन कौन से टास्क अधूरे रह गए। अब जो जो टास्क अधूरे रह गए उनको परफॉर्म करने के लिए अगली बार फिर से शरीर तलाशने के लिए एजेंडा सेट किया जाता है कि अगली बार का एजेंडा ये होगा। अब जब एक बार एजेंडा डिसाइड हो जाए कि ये एजेंडा होगा, मतलब कि एजेंडा कैसा होता है, उदाहरण के लिए जैसे मुझे इस बार जाकर स्पिरिचुअली अपग्रेड करना है अपने आप को, या मुझे इस बार जाकर एक बहुत अच्छे ऑफिसर लेवल पर जाना है और देश की सेवा करनी है, या मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ऊंचाई हासिल करनी है, यह आपका सोल एजेंडा हो सकता है, आपकी स्पिरिट का एजेंडा हो सकता है जिसको हम सोल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। या मुझे ये वाला लेसन लर्न करना है, मुझे एक गृहस्थ में एक लेडी बनना है और किसी की पत्नी बन के मुझे ये एक्सपीरियंस लेना है, ऐसा कोई भी आपका सोल एजेंडा हो सकता है। उसके बेसिस पे ही आप अपने शरीर की तलाश की जाती है। आपको उससे पहले ही आपके पिछले कार्मिक के कारण ही आपको अगला शरीर कितने टाइम ड्यूरेशन का होगा ये भी डिसाइड कर लिया जाता है, किस जगह पर होगा लगभग ये डिसाइडेड होता है। उसमें कुछ च्वाइसेस होती हैं, कुछ थोड़ी सी चॉइसेस होती हैं। कुछ चॉइसेस किस टाइप की होती हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं अपने लिए बताऊं कि इस जीवन में आने के लिए मेरे पास दो वे थे कि अगर मैं जापान में, मेरे बहुत सारे कार्मिक कनेक्शन थे, तो मैं जापान में जन्म लेकर किसी तरीके से तुरंत इंडिया चला होता, फिर बाकी का जीवन इंडिया में स्पेंड करता, एक पॉसिबिलिटी थी। दूसरा, मैं इंडिया में जन्म लेकर इंडिया के माता पिता, मेरे जो यहाँ इस समय माता पिता थे, इनके साथ जन्म लेता और कुछ समय के लिए जापान जाता और अपने कार्मिक बंधन निपटाता। तो मैंने ये वाला चुना ऐसा, क्योंकि मुझे बहुत हद तक चीजें कुछ हद तक याद हैं, जितना मैं पीछे जाकर देख पाया। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक प्रोसेस होता है जिसमें हम बोलते हैं LBL, लाइफ बिटवीन लाइव्स, दो जीवनों के बीच में हम कहां थे और क्या कर रहे थे, आप वहां जाकर देख सकते हो, अपने अंतर मन के अंदर जाकर उस सिस्टम को आप देख सकते हो। तो उस समय में जब डिसीजन ले लिया जा रहा होता है कि मुझे किस गर्भ से जन्म लेना है, कौन मेरे माता पिता होंगे, वहां पर कुछ लिमिटेड सी कार्मिक च्वाइसेस होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एजेंडा के बेस पे आपके पास कार्मिक चॉइसेस होती हैं, कि जैसे कुछ होता है सोल ने जो भी डिसाइड किया होता है आत्मा ने कि मैं इस टाइप के जीवन में काम करना चाहता हूं। जैसे अगर आपको स्पोर्ट्स में अपने आप को ग्रो करना है कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत ऊंचाई पर हासिल करना चाहता हूं, तो जाहिर सी बात है ऐसे माता पिता तलाश किए जाएंगे जिनके साथ आपका कोई कार्मिक लेन देन भी हो और उनके अंदर स्पोर्ट्स के प्रति रुचि भी हो, ऐसा वहां पर उसी हिसाब से आपके माता पिता डिसाइड किए जाते हैं। तो थोड़ी सी चॉइसेस होती हैं आपके पास, दो तीन चॉइस होती हैं कि इन कार्मिक में से आप ये या ये माता पिता चुन सकते हैं, बस इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा विकल्प वहां पर नहीं होते। लेकिन जैसे कोई सोल बहुत हायर कॉन्शियसनेस वाली होती है तो उसके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस, जो हायर कॉन्शियसनेस वाली चॉइस सोल होती है उसके पास चॉइसेस और कम हो जाती हैं। जैसे अगर कोई सोल बहुत हाई लेवल पर गई थी, क्योंकि मुझे वो यहां से ऑलमोस्ट अवेकंड होकर गई थी, तो अवेकंड जो सोल होती है वो अवेकंड माता पिता के यहां पर ही जन्म लेना चाहती है, या ऐसी जगह जिन्होंने खूब पहले से भक्ति कर रखी है, जिनकी सोल की अवेकनिंग बहुत हाई लेवल पर हो रखी है, क्योंकि वैसा ही उनके जीन्स भी तो होंगे, वैसे उनके गुण भी होंगे और वैसा ही माहौल इस आत्मा को वहां प्राप्त होगा। तो ये सारे डिसीजन होते हैं उस समय में, याद रखना ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके इस जीवन में की हुई आध्यात्मिक उन्नति पर, कि आप कितनी समझदारी से आपने ये वाला शरीर छोड़ा। जितनी समझदारी से आपने ये शरीर छोड़ा, उतनी समझदारी से आप वहां पर प्रवेश करते हैं, आप अगले जीवन में प्रवेश करते हैं, उतनी ही जागरूकता के साथ आप प्रवेश करते हैं। कुछ ऐसी आत्माएं जो पहले से ही जागरूक होती हैं, वो इस जीवन में शरीर में जागरूक होकर प्रवेश करती हैं, बल्कि और जो थोड़ी सुसुप्त आत्माएं होती हैं वो बिल्कुल एकदम, उनके लिए तो एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है, उनको पता भी नहीं चलता कि कब उनको जन्म दे दिया गया, तो ये उनके कंट्रोल में नहीं होता। अब आत्मा जब डिसाइड करती है कि मुझे इस माता पिता के यहाँ जन्म लेना है, अब माता पिता के समागम के समय में उनके मानसिक अवस्था क्या रही होगी, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है।
याद रखना, बहुत सारी बातें, इसको बोलते हैं गर्भधारण संस्कार। इसके ऊपर मैंने बड़े विस्तार से और वीडियो बनाया हुआ है। तो गर्भधारण संस्कार में डिसाइड होता है कि किस टाइप की फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट कर रहे थे जब आपने उस आत्मा को बुलाया। क्या वो एक्सीडेंटल बुलाया गया या आपने एक प्रार्थना करी, आप एक प्रार्थनापूर्ण अवस्था में जाकर आपने बुलाया। जब आप एक प्रार्थनापूर्ण अवस्था में जाकर बुलाते हैं माता पिता और तब समागम करते हैं, तो उस समय में आप उस दिव्य आत्मा को, दिव्य आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं जब आप प्रार्थना करते हो। तो हो सकता है उनकी खुद की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई ना हो माता पिता की, लेकिन उन्होंने प्रार्थना करी, एक हायर सोल हमारे यहां पर आए, एक सुपर सोल हमारे यहां पर आए, तो वैसे ही आत्मा को उनके घर में उतारा जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहां पर बताए। अब जरा और विस्तार से, अब वो आत्मा जब डिसाइड कर लेती है कि मुझे ये वाले माता पिता के यहां जाना है, तो अब जब माँ को यह कंसीव हो चुका होता है, गर्भ धारण हो चुका होता है, तो तुरंत वहां पर जीव प्रवेश नहीं करता। प्रवेश करता है उसके लगभग 40 से 48 दिन के बाद, 40 से 48 दिन के भीतर जो है वो उसमें शरीर में प्रवेश करता है। उससे पहले वो शरीर एक केवल एक मांस का मतलब लोथड़ा होता है और वो डिवेलप हो रहा होता है, वो बन रहा होता है। तो ऐसे समय में वो आत्मा जो है वो डिसाइड, वो वेट करती है, और जैसा ही वो समय आता है जब शरीर एक निश्चित 40 से 48 दिन के बीच में वो पहुंच जाता है, तो आत्मा उसमें प्रवेश करती है। तो प्रवेश कैसे करती है? प्रवेश करती है ब्रह्मरंध्र में से, क्राउन चक्र में से। क्राउन चक्र में से क्यों प्रवेश करती है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा पावरफुल तरीका है एक सोल के एंटर करने का, क्योंकि ये एनर्जी का गेटवे है, एक तरीके से यूनिवर्स के साथ, परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी है। तो जब यहां से आत्मा प्रवेश करती है तो ये गेट है, रंध्र है, ब्रह्मरंध्र भी इसे कहा जाता है, ब्रह्म के द्वार के अंदर खुलने वाला द्वार। हमारे भाषा में, संतों की भाषा में इसे दशम द्वार भी कहा जाता है। तो आत्मा यहां से प्रवेश करती है। अब वो आत्मा शरीर में आकर बैठती है, शरीर में आकर वो इस गेट से कई बार उसका आना जाना लगा भी रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार आ गई तो वो सदा रहती है, बहुत बार आत्मा वापस जो है परमात्मा में जाकर मिलती है, लीन होती है, उसे उसके स्पिरिट गाइड बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। इसलिए बच्चा जो है माँ के गर्भ में जब तक जो 40 वीक्स का जो टाइम पीरियड होता है, ये बेहद कीमती होता है, बेहद कीमती। उस समय में अगर माँ को पॉजिटिव संस्कार दे जाए तो वो आत्मा जो अंदर बैठी हुई है वो कनेक्टेड रहती है, वो माँ के संस्कारों को फील करती रहती है, और वैसे ही उसका अवचेतन मन डेवलप होता चला जाता है। तो ये बड़ा पावरफुल प्रोसेस है। याद रखिए, सारा खेल डिपेंड करता है माता पिता के गर्भ धारण के समय की उनकी मेंटेलिटी, उससे पहले उनकी सोच कैसी है, किस टाइप का उनका दिमाग है, किस टाइप की उनकी उनकी हरकतें हैं। जैसे मैंने उदाहरण आपको देता हूं, कुछ किस टाइप की सोल कहां पर जाएगी, जैसा उस सोल का, उस आत्मा का पहले से उसका जो गुण धर्म होता है वैसी क्वालिटी के साथ वो प्रवेश करती है। मतलब अगर कोई आत्मा ने पिछले जीवन में धन की कमी देखी थी, तो वो इस बार चाहता है कि मुझे ऐसी जगह पर पैदा होना है कि जहां पर भरपूर धन पदार्थ अवेलेबल हो, जीवन की सारी सुख सुविधाएं हो, तो ऐसी सुख सुविधाओं के माता पिता को वो तलाशता है, वो ऐसी जगह पर फिर प्रवेश करता है। ऑफ कोर्स उसके कार्मिक वहां पर होंगे, कुछ ना कुछ कार्मिक लेना देना होगा किसी माता के साथ, पिता के साथ, बिना कर्मों के कोई हिसाब किताब नहीं है कहीं पर भी, लेकिन कुछ थोड़ी सी चॉइसेस के साथ। ऐसे ही किसी आध्यात्मिक आत्मा है तो वो आध्यात्मिक माता पिता के यहाँ पर जन्म लेना चाहती है, या जहां पर आगे आध्यात्मिक उन्नति की पूरी पूरी संभावना हो सके। ऐसे ही सपोज कोई IAS ऑफिसर की, या ऐसे बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिसर के लेवल पर कोई आत्मा पिछली बार रही है, तो उसकी चॉइस है कि वो ऐसे माता पिता के जाना चाहती है, तो वैसे ही माता पिता के लगभग आसपास में वो रहती है। कभी कभी इसका अपवाद भी होता है, उल्टा भी होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा बिल्कुल सेम ही ऐसा होता हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। बिल्कुल गरीब घर में पैदा होकर भी वो आत्मा ग्रो करके, क्योंकि उस आत्मा का जो, उसका जो सूक्ष्म शरीर था, उसका जो प्राणिक शरीर था, वो इतना शक्तिशाली था, उसके पास अपनी ऊर्जा थी। तो अपनी प्राण ऊर्जा से भी आप काम करते हो, माता पिता के ने, माँ जो दे रही है, माँ एक फिजिकल बॉडी दे रही है, लेकिन उसके अंदर जो सोल है वो उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो इतना पावरफुल है, उसका प्राण ऊर्जा वाला जो शरीर है वो इतना पावरफुल है कि अकॉर्डिंगली चाहे वो गरीब घर में भी जन्म लेकर वो बहुत बहुत हाई लेवल पर जा सकता है। वो एक बिल्कुल ऑपोजिट टाइप की नेचर के घर में जन्म लेकर भी वो आध्यात्मिकता की ऊंचाई पर जा सकता है, जैसे हिरण्यकश्यप के यहाँ पर प्रहलाद का जन्म होना, राइट। कयाधु जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी, उसने इनवाइट किया था कि मेरे गर्भ में जो भी सोल हो वो एकदम पवित्र पर विष्णु नाम का जाप करने वाली हो, तो उन्होंने वो जो किया उसके कारण वो उस आत्मा को वैसा ही आगे उन्होंने प्रहलाद के रूप में जन्म लिया। तो इस तरह से बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। तो इसके पीछे की जो साइंस है वो ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया। बस अब मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये बेहद जरूरी है कि माता पिता को बहुत सोच समझ कर एक नई आत्मा को इन्वाइट करना चाहिए। ये कोई एक्सीडेंटल प्रोसेस नहीं है, ये बहुत ही समझदार का काम है। आप इसके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, मेरा गर्भ धारण के ऊपर एक दूसरा वीडियो है, प्लीज जरूर देखें। गर्भ संस्कार के ऊपर मेरे 3-4 और वीडियोस हैं, उसको भी देखें ताकि आपको ये बात और गहराई से समझा सके और आप एक दिव्य आत्माओं को इस धरती पर इनवाइट करने के लिए कैपेबल बन सके।
मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो नीचे जरूर शेयर करें, जहां पर माता पिता ने अपनी मर्जी से किसी दिव्य आत्मा को इन्वाइट किया हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।